नाकामियाँ सिर्फ एक ही थी सर, पैसा। पैसा नहीं था, मैं कोई ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं जहाँ पे पैसा हो, ये भी है, घर से भी नहीं मंगा सकते, ये है। उसमें कई बार ये होता था कि पापा बोलते थे वापस आ जाओ, गलत फील्ड में चले गए, 2-3 साल बचे हैं, सरकारी नौकरी की उम्र भी चली जाएगी। सब लोग बोलते थे यार बड़ा स्किनी सा बंदा है ये, पतला सा है ये, है वो है। कई जगह मैं ऑडिशन देने गया मेन लीड के लिए, लेकिन पता चला वहाँ से कॉल आ रहा है मुझे सर्वेंट के लिए, है ना, कुछ अलग रोल के लिए। मैंने कहा इसके लिए तो मैंने नहीं दिया था, तो कह रहे नहीं नहीं आपका ऑडिशन बहुत बढ़िया था, एंड तक फाइनल में 400 लोगों में से शॉर्टलिस्ट होते हुए 3 में पहुंच गए आप, 3 में भी आप बेस्ट कर रहे हो, लेकिन वहां से मेन लीड नहीं दे रहा है कोई, और किसी ने नौकर के रोल के लिए बुला रहे। तो कई बार गुस्सा होता है यार, मैं ये क्या बकवास है, मतलब मैंने उसके लिए ऑडिशन ही नहीं दिया, तो आप कैसे जज कर सकते हो, आपको वहाँ पर कहाँ फिट लग रहा है। वहाँ आपने इस परफॉर्मेंस से उस परफॉर्मेंस को मान लिया कि अच्छा करेगा, तो इससे भी मान लो कि वो भी अच्छा करेगा। तो बट यहाँ मानते नहीं हैं, बहुत सारे लुक्स मैटर करते थे। तो एक भ्रम टूटा कि थिएटर में आप किसी भी फिजिकलिटी के हो, आप कुछ भी रोल कर सकते हो। मेरे को राजा का रोल भी किया हुआ है, मैंने एक बिल्डर का रोल भी किया हुआ है, सब चीज़ वो थिएटर में चल जाता है, लेकिन यहाँ पे अपीयरेंस एक बहुत बड़ा भूमिका प्ले करती है इसमें। तो वहाँ पे कहीं भी फिट नहीं था, तो जहाँ भी जा रहा हूँ रिजेक्ट हुए जा रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ रिजेक्ट हुए जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होता है उस पर कि यार कहीं भी फिट नहीं हो। तो ऐसे ही कर करके कई बार जहनीत भी हुई हो जाती है कि यार ऐसे ही साइड रोल मिलेंगे, ये है वो है, और 3-4 साल इसी जद्दोजहद में लग गए कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे, घर भी चलाना है, अपने आप रह रहे हैं वहाँ पे, रेंट देना है, राशन का करना है, सब चीज़ें थी। फिर इत्तेफाक से क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त FTIS है, वो एक शॉर्ट फिल्म बना रहा था 12-13 मिनट की, जो उनकी डिप्लोमा फिल्म होती है। तो उसने बोला कि यार आपको कास्ट करना है, एकदम फिट हो आप। मैंने क्या है रोल, उनका लीड रोल है और ऐसा है, और इसमें कहानी ये है, एक बंदा बिहार से आता है, पेंटर है और ऐसे। तो मैंने कहा ओके, और कौन है, और एक एक्ट्रेस का नाम बताया उन्होंने, सादिया सिद्दीकी मेरी दोस्त ने, वो थी। तो हाँ फिर तो आप दोनों हो, लीड रोल है। मैंने कहा तो कितने, अरे वाह वाह क्या बात कर रहे हो, लीड रोल हमें कैसे मिल सकता है भाई। एंड फिर उसने बताया कि ये 12 मिनट की है। तो मुझे लगा यार फिल्म बनानी थी तो पूरी बना लो, 12 मिनट में क्या, कौन सा ऐसे है। मैंने कहा नहीं, ये डिप्लोमा होती है, ये पूरे हम जब पास आउट होते हैं तो इंडस्ट्री में जाते हैं, और ये हमारा शोरील होता है, तो उस शोरील के जरिए आप भी ट्रैवल करते हो। तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि चलो यार एक और स्क्रीन टेस्ट, वो भी एक काम के थ्रू, और मज़ा आएगा। तो उस चीज़ ने वो मेंटालिटी बदल दी कि हम सिर्फ साइड किक और ये वो रोल करने आए हैं, कि यहाँ पे वहाँ पे मुझे लगा कि हर आदमी एक कहानी है, हर आदमी के ऊपर एक कहानी बन सकती। और बस फिर 1-2 साल और स्ट्रगल करने का मादा आ गया था कि हाँ यार वो करते हैं, हिम्मत आ गई थी कि नहीं नहीं करते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं। तो फिर दोबारा कनेक्ट किया मैंने थिएटर से कि यहाँ पे जो रोल किए थे वो किए थे, लेकिन अब इस इंडस्ट्री का ग्रामर भी समझना ज़रूरी। तो वो समझा, और वो समझते समझते चीज़ें बनती चली गई।